नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। फिलहाल पूरी दुनिया कोविड 19 महामारी से जूझ रही है, लेकिन इस महामारी के बाद जब खेल शुरू होगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों को अपनी कुछ आम आदतों को बदलना पड़ेगा, जैसे उन्हें अभ्यास के दौरान शौचालय जाने और मैदानी अंपायरों को अपनी कैप या सनग्लास सौंपने की अनुमति नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार खिलाड़ी अपने निजी सामान जैसे कैप, तौलिया, सनग्लास, जंपर्स आदि अंपायर या साथियों को नहीं सौंप सकते और उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया कि खिलाड़ियों का सामान कौन रखेगा। यही नहीं, अंपायरों को भी गेंद को पकड़ते समय दस्तानों का उपयोग करना होगा। खिलाड़ी अपनी कैप और धूप के चश्मों को मैदान पर नहीं रख सकते क्योंकि इससे पेनल्टी रन जा सकते हैं, जैसे कि हेलमेट के मामले में होता है। आईसीसी इसके साथ ही चाहती है कि खिलाड़ी मैच से पहले और मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में कम समय बिताए। आईसीसी क्रिकेट समिति पहले ही गेंद पर लार लगाने पर प्रतिबंध की सिफारिश कर चुकी है और अब खिलाड़ियों को गेंद छूने के बाद आंखें, नाक और मुंह स्पर्श नहीं करने की सलाह दी गई तथा गेंद के संपर्क में आने के बाद अपने हाथ साफ करने के लिए कहा गया। अभ्यास के दौरान भी खिलाड़ियों की परेशानियां बढ़ सकती क्योंकि उन्हें शौचालय का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि आईसीसी को खाली पड़े विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए, वरना खिलाड़ियों को और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, आईसीसी जिस तरह से मैच कराने की योजना बना रही है, क्या वो सफल हो पाएगी या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।